वेलकम टू पीके का प्रिंट कंपनी। और फिनो बैंक का सितंबर मंथ का इंसेंटिव स्कीम आ चुका है और इसका डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से रहता है सितंबर मंथ का स्कीम। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी मर्चेंट आईडी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, जल्दी जल्दी ले लो, क्योंकि अभी लिमिटेड ही बचे हुए हैं, बीच में बंद होने वाला है। मर्चेंट आईडी बीच में मिलेगा नहीं, तो अभी जिसको चाहिए मिल जाएगा। और अभी हम करेंटली दिल्ली एनसीआर में ही मर्चेंट आईडी दे रहे हैं, जो फिनो बैंक के सीएसपी लेना चाह रहे हैं उनको दिल्ली एनसीआर के लोकेशन में उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अभी दिल्ली से बाहर नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं मर्चेंट आईडी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे फिनो पेमेंट बैंक में वो कॉल कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। बाकी आप साइबर कैफे है, कोई दुकान है जिसमें आप चाहते भी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, खाता ओपनिंग कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, जो भी सर्विस अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस ये भी कर सकते हैं, मतलब एक ही आईडी में आपका ये सारे काम हो जाएंगे। जिनका फिनो बैंक का सीएसपी है वो आप अपना कस्टमर को एटीएम कार्ड, पासबुक ये भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखते हैं फटाफट कि इस महीने के मर्चेंट स्कीम क्या है। कासा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने पे देखेंगे, कैश विड्रॉल करने पे, एटीएम और एपीएस पे देखेंगे, डोमेस्टिक ट्रांसफर पे क्या कमीशन, सीएमएस में क्या रहेगा, माइक्रो एटीएम पे क्या रहता है, एफडी कमीशन कितना है, पैन कार्ड सर्विस भी अपनी अभी इंक्लूड हो चुका है। आप फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी लेते हैं या सीएसपी पॉइंट लेते हैं, उसमें आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं, इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, और ब्रेन जिम का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और रेफरल प्रोडक्ट भी है इसके अंदर, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, उसके उस पर अच्छा खासा कमीशन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला खाता ओपनिंग पे, खाता ओपनिंग में जो आपका टाइप अकाउंट होता है, प्रथम सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, ये तीन सेविंग अकाउंट हैं, और सरल सैलरी अकाउंट है, जैन सेविंग अकाउंट, आरंभ आपका करंट अकाउंट हो गया, सुविधा अकाउंट हो गया, और संपन्न करंट अकाउंट हो गया, आरंभ सेविंग अकाउंट और संपन्न करंट अकाउंट हो गया। जिसपे कमीशन, जो बेस कमीशन है, सबकी बात करूँ तो प्रथम की 25 रुपये, शुभ सेविंग अकाउंट का 25 रुपये, भविष्य सेविंग अकाउंट का 25 रुपये, सरल सेविंग का 25 रुपये, जन सेविंग, आरंभ और सुविधा में आपका यहाँ पे बेस अकाउंट जो कमीशन नहीं होता है, संपन्न 50 रुपये, और बेस प्राइस की जो ऊपर की बात करें तो प्रथम में आपका 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, शुभ सेविंग में 10 रुपये, भविष्य में 10 रुपये, जन सेविंग में 10 रुपये मिलता है, आरंभ में 10 रुपये, सुविधा 10 रुपये और संपन्न 10 रुपये। ये 10 रुपये आपको कब मिलता है, जब वो कस्टमर उसने आप अकाउंट में रखता है पैसे 5000 या 5000 से ऊपर, या DMT करते सुविधा अकाउंट से, तो जाके आपको 10 रुपये कमीशन मिलता है। सरल सेविंग अकाउंट में जब उनका आप जीरो बैलेंस से खाता खोलती है, और जब वो पहली बार खाता में पैसे डालते हैं तो आपको 25 रुपये कमीशन मिलता है, और उसने पहली बार खाते में पैसे नहीं डालता है तो आपको 25 रुपये कमीशन नहीं मिलेगा, तो इस पर ये ध्यान रखना है। आओ देखते आगे, कुछ स्लैब्स बने हुए हैं जिससे इंसेंटिव स्कीम जो खाता ओपनिंग में आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अगर आप मंथ में 1 से 2 खाते खोलते हो तो 0 इंसेंटिव है, 3 से 5 खोलते हो 25 रुपये पर खाता मिलेगा एक्स्ट्रा की इंसेंटिव बात कर रहा हूँ, जो बेस कमीशन के ऊपर की बात कर रहा हूँ। 6 से 10 खाते खोलोगे 35 रुपये मिलेगा, 11 से 25 रुपये करोगे 45 रुपये मिलेगा, और 26 से 49 खोलोगे 55 रुपये, और 50 से 70 रुपये, मतलब कि एक खाते पर जहाँ 25 रुपये मिल रहा था वो अब मिलेगा आपको 70 रुपये, ये इंसेंटिव की बात हो रही है। तो इस तरह से रहता है। इनिशियल डिपॉजिट की बात करते हैं, तो खाता ओपनिंग करते समय और आप 1000 रुपये से खाता खोलते हो 25 रुपये मिलेगा आपको, और आप पैन कार्ड के साथ खोलते हो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और आपका सुविधा अकाउंट में खोलते हो या शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हो जिसमें क्या पॉलिसी वगैरह भी कर देते हो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, प्रिंट करते हो पासबुक तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है फर्स्ट टाइम, तो ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कस्टमर पहले खाता खोल रखे हैं उसका आप पैन कार्ड लिंक कर देते हो तो आपको 5 रुपये मिलता है कमीशन। और मैक्सिमम इनकम के लिए क्या करना है, शुभ सेविंग अकाउंट में आपको 130 रुपये तक कमीशन मिल सकता है,
भविष्य में सरल में प्रथम में 130 रुपये तक कमीशन मिल सकता है, जैन सेविंग में 115 रुपये कमीशन मिल सकता है, आरंभ में 45 रुपये और संपन्न में 155 रुपये। आओ समझते हैं किस तरह से इनकम मिलता है। जैसे आपको बताया बेस कमीशन 25 रुपये होता है, इसके अंदर जैन सेविंग आरंभ में वही 10 रुपये और 10 रुपये जो सबसे पहले डिस्कस किया था, और संपन्न में 50 रुपये। अगर इनिशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसमें अगर वो मंथली बैलेंस 5000 से ऊपर रखते हैं, मंथली बैलेंस अब 5000 से ऊपर रखते हैं, इनिशियल डिपॉजिट में हमने खाता खोला 5000 से अब 5000 से ऊपर वो रखते हैं, 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा जब तो वो पैसे रखते हैं। तो ये कंडीशन है, जब वो पैसे रखते हैं 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पैन कार्ड लगा तो 5 रुपये से पैन कार्ड में मिल जाता है, 50 रुपये और 55 रुपये आपके ये हो गए। अब ब्रांड जिम का सिस्टम देते हो तो 70 रुपये यहाँ पे आपको मिलता है, वो मतलब सॉरी, जब भी आप खाता जब खोलते हो 30 खाते से ज़्यादा खोलते हो, महीने में 30 खाते से ज़्यादा खोलते हो, इस पर डिस्कस किया है, तो फिर 70 रुपये आपको इंसेंटिव मिलता है। कोई से भी 30 खाते से ज़्यादा खोलते हो 70 रुपये आपको इंसेंटिव मिलता है। अब पहला खाता खोलते हो और उसको मतलब कोई मर्चेंट ऐसा है जिन्होंने पहली बार आईडी लिया है और पहला खाता खोला तो उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, या बहुत दिनों से जो खाता नहीं खोल रहे उन्होंने तो खाता खोला 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये आपको टोटल इस तरह से 25 5 70 5 मिला के 30 रुपये आपको एक अकाउंट पे कमीशन मिल जाता है। आप पॉलिसी बेचते हो हैं साथ में गो डीट की एक्सटेंडल पॉलिसी बेचते हो तो 30 रुपये आपको उस पर कमीशन मिल जाएगा। टोटल कमीशन 160 आप एक खाते से कमा सकते हो, ये आपका अकाउंट ओपनिंग का रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ जिसको भी फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी चाहिए, ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इसी नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे ग्रीवन है डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ध्यान रखना दिल्ली NCR के लोग करें, क्योंकि अभी हम दिल्ली NCR में ही CSP प्रोवाइड करा रहे हैं, दिल्ली NCR के ऊपर हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। ये FD अगर करते हो तो FD में 0.1% या 5 रुपये जो भी कम होगा वो आपको कमीशन मिलेगा FD का। विड्रॉल कैश विड्रॉल करते हो तो 0.1% और 5 रुपये जो भी कम रहेगा वो आपको कमीशन मिलेगा। फिंगरप्रिंट से करो या डेबिट कार्ड से करो 5 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। और अगर आप MATM और APS से 2 लाख से तक का कमीशन कर दे वो प्रिंट विड्रॉल कर देते हो तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, और 3 लाख तक का करते हो विड्रॉल तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, 3 लाख से ऊपर करते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है कमीशन जो भी विड्रॉल करते हो APS और MATM दोनों मिला के। ये चीज़ें हैं। अगर APS में आपको लगता है कि भाई आपके पास जो कि कस्टमर है 3000 से लेकर 4000 के बीच में ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो आप उसको कमीशन सेट कर सकते हैं, उस पर आपको मैक्सिमम 13 रुपये 50 पैसे तक का कमीशन मिलेगा। उसी तरह MATM में भी है, और आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर 3000 से 4000 के बीच ज़्यादा आते हैं तो आप उस कमीशन सेट कर सकते हो तो उस पर आपको 12 रुपये कमीशन मिलेगा। यहाँ पर इस तरह रहता है। ये देखो, अगर आपके कस्टमर, आपने जितने भी खाते खोले, जितने भी आपने खाता खोला और आपका जो कस्टमर है वो 500 से 1000 के बीच में अपने अकाउंट में पैसे रखता है, या 1000 से 5000 या 5000 से ऊपर अपने अकाउंट में पैसे रखता है, तो आपको ये इंसेंटिव मिलता है खाली पैसे रखने पे। लेकिन कंडीशन ये रहता है कि इसके अंदर आपको हर महीने 5 खाते खोलने हैं मिनिमम, और आपको किसी भी महीने में 25 खाता एक्स्ट्रा खोलना है। इसको डिटेल मैंने डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो कि किस तरह से रहता है। मान लो कि आपका सितंबर में है तो आपने अगस्त में अगर 25 खाता खोल दिया, सितंबर 5 खाता खोल दिए, तो जितने भी आपके कस्टमर होंगे जो भी इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते होंगे तो उस पर आपको एक कमीशन मिलेगा। इस तरह रहता है। और इस बार क्या है कि कासा, जो भी खाता आपने पहले खोल रखे हैं और वो रिन्यू होता है तो सब्सक्रिप्शन फीस कट जाता है खातों से, तो 10 रुपये पर सब्सक्रिप्शन फीस आपको मिलेगा। शुभ सेविंग में, प्रथम में, भविष्य में और संपन्न में, और जन सरल और आरंभ में खोलते तो 5 रुपये आपको पर कस्टमर मिलेगा। कैश डिपॉजिट पर ये आपको इस ये जो अपना बैंक है, हमारे पास लिस्टेड लगभग 22-23 बैंकें हैं, अगर आप इन बैंकों में बाय तेज बैंक के हमारे पास इन बैंक के कोई कस्टमर आता है तो आप सीधा फिंगरप्रिंट से डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट करने पर कमीशन मिलेगा। जो आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, मनी ट्रांसफ़र ना करके सीधा फिंगरप्रिंट से डिपॉजिट करेंगे आधार कार्ड से, तो आपको इसमें कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह रहता है ये। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने
सामने रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी याद रहे, जैसे कोई कस्टमर आता है आपको याद रहे कि भाई मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, इस पर फिनो से डिपॉजिट करना है, तो आपको यह कमीशन मिल जाएगा। APS में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं उससे 1.5 रुपये कमीशन मिलता है, इसमें सीधा है। और यह अगर DMT का मैंने बता दिया रेट सबके जगह बढ़ चुका है, तो DMT का रेट में कमीशन आपको मिलेगा 6 रुपये, 18 रुपये, 30 रुपये और 60 रुपये, इस तरह से रहता है DMT का कमीशन। और जो सुविधा अकाउंट 2 लाख का 1 शॉट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो चीज़ यह रहेगा। कैश में CMS करते हैं तो 0.07% से लेकर आपको 0.20% तक पे आउट मिलता है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं। मोरपोर्ट डिवाइस L1 डिवाइस लेना चाहो तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि अब जो L1 डिवाइस चलता है। पैन कार्ड का मैं बता दिया, पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो पैन कार्ड बना सकते हो, उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। ये देखो, ये आपका थोड़ा ध्यान देना, ये आपका पॉलिसी इसका है 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो भी करते हो तो उस तरह से कमीशन रहता है प्रीमियम, इस तरह से ये आप डिस्क दे सकते हो आराम से, इस तरह से कमीशन का रहता है। इन चीज़ों पे इस तरह कर सकते हो कमीशन, ये रहता है जो भी पॉलिसी करते हो उस तरह से आपको कमीशन मिलेगा। अटल पेंशन योजना वगैरह करते हो तो ये ऐसा कमीशन है, 1 से 5 में 25, 6 से 35, 11 से 20 में 50 और 21 से 60, इस कमीशन रहता है जो भी अटल पेंशन योजना का। तो अगर आप रिचार्ज वगैरह करते हो तो वोडाफोन, जियो, आइडिया, वोडाफोन एक ही है, ये रिचार्ज करते हो तो उस कमीशन रहता है, तो रिचार्ज कर दे सकते हो। क्यों आजकल पेटीएम वगैरह रिचार्ज करते हैं उसमें कमीशन मिलने की वजह से चार्ज लगता है, तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा, जिस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन जिम का सबसे प्रोवाइड करते हो तो 104 में 7% का कमीशन रहता है, और 5 से 9 में 50 रुपये, 10 से 14 में 150 रुपये, 15 से 19 में 250 रुपये, 20 से 25 में 400 रुपये, 25 से ऊपर 500 रुपये, ये कमीशन रहता है इसके अंदर। और गोल्ड लोन की बात करें तो आपका 1 लाख पे 800 रुपये कमीशन है गोल्ड लोन की। अब मुथूट की बात करें तो मुथूट में 750 रुपये गोल्ड लोन की कमीशन है, मुथूट में 750 रुपये है, और आपका बजाज में 800 रुपये है। तो इस तरह गोल्ड लोन भी आप कर सकते हो, रेफर करना इसके अंदर, कस्टमर जाके गोल्ड लोन करवाता है, जैसे हो जाएगा आपको ये कमीशन मिल जाएगा। पर्सनल लोन की बात करते हैं तो आप पर्सनल लोन कोई करवाते हैं तो 1.25% का कमीशन रहता है, और आपका क्या कहते हैं इससे ज़्यादा कराते तो वो कर सकते हैं। क्रेडिट बीस है, क्रेडिट बीस में सिंपल रेफरल करना है, उसको ऐप डाउनलोड करके वहाँ से करवा देना है, ये आपका कमीशन तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो हाउस लोन करवाते तो हाउस लोन का भी है, यहाँ पे गोल्ड लोन, मुथूट, क्रेडिट बी, कैपिटल, हाउस लोन, इस तरह से आप इनको दे सकते हैं। इस पे पर 1 रुपये पर 1 पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट भी आपको इकट्ठा मिलता रहेगा, इस तरह से चीज़ें आपको मिलेगा, कैश तो मिलेगा प्लस पॉइंट भी मिलेंगे। तो ये आपका पूरा जो सितंबर मंथ का इंसेंटिव स्कीम है, ये चीज़ें हैं, आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं और आप अपने उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम खाता खोलो, मैक्सिमम काम करके आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। बाकी जहाँ तक कमीशन CSP की बात होती है, CSP जिसको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन भैया दिल्ली NCR के लोग को हम CSP दे रहे हैं, तो वही लोग कॉल करें, उसके बाहर के लोग कॉल ना करें, क्योंकि उनको CSP मिल नहीं पाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा से पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।